हे गाइस, मैं पीके ठाकुर, स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीपी एडुकेशनल ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारा जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए और प्रिंटर से कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व कर सको। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस इसलिए क्योंकि यह जो डाटा होता है, डाटा को आउटपुट करके हमें आंसर के रूप में देता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए क्योंकि यह बिजली से चलता है। तो प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक एंड आउटपुट डिवाइस होता है। इसका काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करना। मतलब क्या, जो हमारे पास आंसर होता है, जो हमें डाटा के रूप में रहता है, डॉक्यूमेंट के रूप में, इसे हमें पेज पर प्रिंट करके देता है, तो पेज हमारा जो होता है वो हार्ड कॉपी होता है और उस पर हमें आंसर देता है, इसीलिए हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर का काम होता है डिजिटल सूचनाओं को पेपर पर प्रिंट करना। प्रिंटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डाटा को, मतलब कि इमेज हो, टेक्स्ट हो, उसे पेज पर प्रिंट करने का काम करता है, और वो जो डाटा होता है वो पेज साइज के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। आमतौर पर जो प्रिंटर होते हैं वो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं एक केबल के द्वारा, लेकिन अभी के समय में जो नए फीचर्स आ रहे हैं उसमें आप वाईफाई, क्लाउड या ब्लूटूथ तकनीकी के द्वारा भी प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं और विभिन्न डिवाइसों से जोड़कर प्रिंट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं प्रिंटर हिस्ट्री की, तो कंप्यूटर के जो जनक थे चार्ल्स बेबेज, उन्होंने अपने डिफरेंस इंजन के लिए 19वीं शताब्दी में ही प्रिंटर को डिजाइन किया था, लेकिन 20वीं शताब्दी तक भी वो पूरा नहीं हो पाया, और तब जाकर जापान की एक कंपनी एप्सन ने 1968 में EP101 नामक प्रिंटर का आविष्कार किया था। सबसे पहले शुरुआती में जो प्रिंटर थे वो टैली टाइप और टाइप राइटर के संकरण होते थे, मतलब उस पर एक तरह से जैसे हम कीबोर्ड पे टाइप करते थे उसी तरह से वो प्रिंटर भी काम करता था। अगला पॉइंट हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो मुख्य रूप से प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता था कि अक्षरों को पेपर पर टाइप करने के लिए इंक से भरी रिबन को पेपर पर मारती थी और तब जाकर हमारा जो अक्षर होता था वो टाइप हो जाता था। इसका जो काम होता था वो सेम टू सेम होता था एक टाइपराइटर की तरह, जिसे हम टाइप करते हैं और वहाँ पे पेपर पर ठोकती है अक्षर को और तब जाकर प्रिंट होता था। इसी प्रकार से इम्पैक्ट प्रिंटर भी काम करता था। और अगर वहीं हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो था अक्षरों को छापने के लिए इंक से भरी रिबन को पेपर पर नहीं मारता था, जिसके कारण इसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता था, और यह प्रिंट करने के लिए अलग अलग तकनीकी का इस्तेमाल करता था, जिसका हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो जिस तरह से प्रिंटर के दो टाइप होते थे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसी तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कुछ मुख्य प्रकार होते थे। जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य प्रकार हैं कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। वहीं अगर बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स के बारे में, तो उनके टाइप्स थे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इसी सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या थर्मल प्रिंटर से अलग अलग तकनीकी के द्वारा यह प्रिंटिंग का काम करता है। अगला पॉइंट हमारा आता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस इन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता था वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, वहीं पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ही कम आवाज़ करता था। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर पर छापने के लिए इंक से भरी रिबन को मारता था, और यह जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है यह इंक से भरी रिबन को पेपर पर नहीं मारता था। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता था उससे प्रिंटिंग में जो हमारी लागत लगती थी वह बहुत सस्ती होती थी, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो लागत लगती थी वह थोड़ी सी महंगी होती थी। चौथे पॉइंट की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता था वह ब्लैक प्रिंटिंग के लिए फ़ायदेमंद होता था, वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता था। पांचवा जो पॉइंट है वो था कि इम्पैक्ट प्रिंटर से जो प्रिंटिंग होता था वह थोड़ा सा क्लियर नहीं होता था, लेकिन वहीं पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से जो प्रिंटिंग की जाती थी उसकी क्वालिटी बहुत ही साफ होती थी। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।